बोल तुझे किसने भेजा है? आप क्या कर रही हैं मैडम, आपने ही तो भेजा है। बकवास बंद करो, सच्चाई बता। आपने ही तो कहा था कि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, जाकर मेरी बहन को डराओ धमकाओ और उसे मारो। राहुल अगर बीच में आए तो उसके हाथ पैर तोड़ दो, आप ही ने तो कहा था मैडम। अबे ऑलकट, क्या बकवास कर रहा है तू? स्टॉप इट, बंद करो अपना नाटक। जिंदगी भर आप लोग हमारी परीक्षा लेते रहोगे, तब भी हम दोनों को अलग नहीं कर पाओगे आप। आप लोग हमें तभी पास और फेल करोगे जब हम लोग कोई परीक्षा देंगे। मिस झांसी, हम दोनों पास हो गए। देखो चित्रा, अपनी दीदी की असलियत को अच्छे से देख लो। अब इन्हें अपने दिल से निकालो और चलो मेरे साथ। रुको, तुम दोनों को अलग करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मेरी बहन की इज्जत के साथ खेलकर इसे घर पे बिठाने का इरादा है इन लोगों का। तुम्हारे बाप की प्लानिंग है। इन सब के पीछे सिर्फ तुम्हारे बाप का हाथ है। ये पुलिस वाले नहीं है, गुंडे हैं। देखो इनके बैच कहाँ है। SP, ACP, SI होते तो पोस्ट के मुताबिक कोई तो बैच होता। कहाँ है? प्यार करना बड़ी बात नहीं, मगर प्यार को निभाना, उसकी गहराइयों को समझना बड़ी बात है। इसलिए मैंने तुम दोनों को प्यार की गहराई समझने के लिए दूर करने की कोशिश की। तुम्हारा बाप तुम्हें वापस बुलाने के लिए मेरी बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता था। इतना कुछ होने के बाद भी तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। अगर मैं तुम्हारे बाप के भरोसे अपनी बहन को तुम्हारे घर पर छोड़ देती तो जो आदमी बाहर ऐसी हरकत कर सकता है वो घर में इसे छोड़ देता क्या? Stop it! अगर मेरा बाप ऐसा करने की कोशिश किया तो जिंदगी भर आपके सामने नहीं आऊंगा, और अगर ये गलत निकला तो आपको मारकर मैं चित्रा की परवरिश करूंगा। चित्रा, तुमने मुझसे कहा था ना, अगर हम दोनों में से कोई एक भी कभी अगर गलत साबित हुआ तो हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। अब हम दोनों आगे एक हो पाएंगे या नहीं मुझे मालूम नहीं है। चित्रा, मैं अपने प्यार को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। अब इन लोगों का क्या करना दीदी? इन लोगों को जलाकर राख करो। अरे चलो, आज तुम लोगों को जला के मैं तुम जैसे जालिमों का अंत करता हूँ। गलती हो गई भाई साहब, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए भाई। आजा चल, तुझे माफ करता हूँ। हाँ तो सही। Till this time, double action should be taken on this concert form. Daddy, मुझे आपसे बात करनी है। Go and wait outside. I'll join you. To hell with your business. ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है, आपसे बात करनी है मुझे। राहुल, लिसन टू मी। हे, व्हाट इज दिस? राहुल, माँ एक मिनट। माँ के अलावा मैं किसी और भगवान को नहीं जानता हूँ। आप कसम खा के कहिए, चित्रा की इज्जत खराब करने के लिए आपने ही पुलिस के वेश में गुंडों को भेजा था ना? सच कहिए। मैंने? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पहले भी तुमने कई लड़कियों के साथ ऐसा किया है, मैंने कभी दखलंदाजी की? आप चलती हुई हवा को रोक नहीं सकते, इसलिए आपने मुझ पर हाथ उठाया। Stop it, damn it! मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। अगर मुझे ये सब करना होता तो कब का कर चुका होता। You know your father well. लेकिन आप अपने बेटे को नहीं जानते। मैं प्यार से बेखबर था, दिल नाम की किसी चीज से मैं बेखबर था। आपके इशारों पर हमेशा नाचने को तैयार था मैं, कुछ नहीं जानता था मैं। Just tell me the truth, otherwise I'll kill myself. Hey, ये क्या बचपना कर रहे हो? मैंने भी वही किया है जो औरों के माँ बाप करते हैं। हमारे पास दौलत है, शौहरत है, एक दो टके की लड़की के साथ तुम रोड पर घूमो ये मैं नहीं देख सकता। Hey, मैं तुम्हारी अच्छाई चाहता हूँ। दौलत, प्रेम, मोहब्बत जैसी चीज आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है। एक मारवाड़ी सेठ की तरह जीना जानते हैं बस, और कुछ नहीं। दौलत, यही बस आपके लिए सब कुछ है। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है आपने उसे क्या दिया है सोचिए। जिसने मुझे प्यार दिया आपने मुझे उससे अलग किया। सिर्फ यही सीखा आपसे कि किस तरह से पैसा लुटाकर खुशी खरीदो, लड़कियों के साथ बाहर जाओ, नाचो, ऐश करो, बस और कुछ नहीं। प्यार को खरीदना सिखाया आपने, प्यार को हमेशा पैसे के तराजू में तोला आपने, चाहे वो मेरी माँ का प्यार क्यों ना हो। मगर मुझे मेरा प्यार चाहिए, मेरा प्यार जो मुझे बाजार में नहीं मिलेगा। ये आप नहीं समझेंगे, लेकिन मैं प्यार के अलावा और कोई दुनिया नहीं जानता हूँ। लेकिन आज आपने ये हरकत करके मेरे प्यार को मार दिया है। क्या एक बाप अपने बच्चों को यही देता है? मुझे वो दिल नहीं चाहिए जिसमें प्यार ना हो, मैं उस दिल को खत्म कर दूंगा हमेशा के लिए। प्यार ही मेरी दुनिया है डैडी, और प्यार के बिना मेरी दुनिया बिल्कुल खाली है। और मेरी दुनिया बर्बाद करने के लिए थैंक्स। इससे बढ़िया तोहफा एक बाप अपने बेटे को क्या दे सकता है बताइए। वेरी नाइस ऑफ यू डैड, कीप इट अप, वेरी नाइस ऑफ यू, कंग्रेचुलेशंस डैड। मुझे दुनिया छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए शुक्रिया। मैं जा रहा हूँ। मैं प्रीति के बगैर जीना भी ये कोई जीना है। आप उसे जीने नहीं दोगे और उसके बिना मैं जी नहीं सकता हूँ। गुड बाय डैड, गुड बाय। Oh!
क्या हुआ बाबा? अपनी चित्रा के साथ। क्या हुआ, क्या कह रहे हो तुम? भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है, उसके आगे कुछ नहीं। राहुल के साथ भी वही हुआ, राहुल ने अपने आप को शूट कर लिया, शूट कर लिया उसने अपने आप को। क्या कह रहे हो तुम? मैं सब सच कह रहा हूँ, अब अपनी चित्रा का। चित्रा, चित्रा क्या कर रही हो तुम? अब वही नहीं रहा तो मैं जिक्र क्या करूंगी? आखिर आपने हम दोनों को मिलने नहीं दिया ना, उसकी जान लेकर ही दम लिया। किसको पता था ये सब हो जाएगा? मैं तो तुम दोनों के प्यार की परीक्षा ले रही थी, कल ही तो मैंने तय किया कि तुम दोनों इसमें पास हो गए हो। अब तुम्हारा क्या होगा चित्रा, क्या होगा तुम्हारा? जाओ, मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगी, जाओ जाओ। चलो चित्रा, शायद तुम्हारे जाने से ही उसकी जान वापस आ जाए। चलो चलो। हेलो डॉक्टर साहब, मैं इंस्पेक्टर झांसी बोल रही हूँ। काफी बॉटल्स खून की जरूरत पड़ेगी, एक आदमी की जान बचाई है, इंतजाम हो जाएगा क्या? हाँ दीदी, आप सिर्फ हुक्म करो, खून की नदियाँ बहा दूंगा। आप सिर्फ ये बताइए कौन से हॉस्पिटल में आना है। ए दीदी, आप बताओ हमें खून लेकर कहाँ आना है। झांसी, मुझे माफ कर दो। देखो मेरा बेटा, प्लीज प्लीज सेव हिम, प्लीज प्लीज प्लीज। आइए, रुक जाओ। आप क्या लेने आए हो? इसलिए तो नहीं आए हो यहाँ? अगर वो बच गया है तो उसे मार डालेंगे। झांसी, इन्हें इधर क्यों लाई हो? ये भी कोई बाप है? अरे हमारे पास ऐश्वर्या दौलत है, इसलिए जिंदगी को मौज मस्ती में गुजार दिया, कभी बच्चों को प्यार दिया है तो अपने को प्यार कैसे मिलेगा, ये नहीं जानते तो। देखो इन लोगों को देखो, तुमने अपने बेटे को पीने के लिए ब्रांडी दी, लेकिन इन्होंने अपना खून दिया है। जानते हो क्यों? क्योंकि उसकी जान बचाने के लिए। इन सब लोगों ने तुम्हारे बेटे को पुनर्जन्म दिया है। धन दौलत कुछ काम नहीं आता, प्यार प्यार जिंदगी में काम आता है। इन सब लोगों को अपने पैसे से खरीदने वाले तुम कौन हो? इन्होंने तुम्हारे बेटे को पुनर्जन्म दिया है, इनकी जगह खाली करो, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं इनको, इनकी जगह इनको वापस दे दो। प्यार के लिए जगह होती है, नफरत के लिए नहीं। चले जाओ यहाँ से। जानकी, अब बस भी करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो तुम लोगों का प्यार चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए, शिक्षा शिक्षा मिल गई मुझे। सुनिए, आपस की बहसबाजी बंद करके बच्चे के बारे में सोचिए, राहुल बहुत सीरियस है। डॉक्टर, इंस्पेक्टर झांसी, अगर आधा घंटा भी फोन करने में देर होती तो हम शायद राहुल को नहीं बचा पाते। ही इज वेरी लकी, दो तीन घंटे में उसे होश आ जाएगा, फिर आप लोग उसे मिल सकते हैं। इट्स ओके। बड़ा जो साहस दिखाया है, उस साहस ने आज सबको एक कर दिया। राहुल,